ODR. Love me, love me, love me, zara mujhse kar le pyar. Love me, love me, love me, ah love me, ODR. Love me, love me, love me, zara mujhse. ओके सो ही गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का. सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार की न्यू वीडियो को बनाएंगे. सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. इस वीडियो को हम अलाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे. अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो. ओके अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ. उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना. ओके गाइस, सो वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आप बिटमार एंड सर्टिफिकेट को इंपोर्ट कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसको आप बिल्कुल भी आसानी से इम्पोर्ट कर सकते हो. ओके गाइस, सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको सिंपली बिटमार प्रोजेक्ट में चले आना है. ओके तो मैं बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ. तो यहाँ पे आपको बिटमार प्रोजेक्ट में आ जाना है. जैसे आप बिटमार प्रोजेक्ट में आएंगे, यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई देगा. सबसे पहले यहाँ पे आपको फोटोज़ को एड करना पड़ेगा. फोटो एड करने से पहले आपको करना क्या, देखो शुरू में जो ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप पर क्लिक करना, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना, शुरू में आ जाना एंड प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ पे अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, जो भी फोल्डर में आपका फोटो है. जैसे आप फोल्डर को सिलेक्ट कर लोगे, मैंने वीडियो वाला फोल्डर सिलेक्ट कर लिया. अब जैसे फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, जो भी फोटो आप एड करना चाहते हो, कोई एक फोटो को यहाँ पे एड कर लेना. थ्रोट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया भी कर लेना. ओके उसके बाद इस फोटो को सिलेक्ट करके रखना और सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना. जस्ट इस वाले ऑप्शन से इसका लेंथ है बढ़ा लेना, फिर जस्ट इसके साइड में लॉन्ग प्रेस कर रखना है और इसको सिलेक्ट करके नीचे कर देना है. ओके इस प्रकार से, फिर यहाँ से फिलहाल बैक आ जाना है इस प्रकार से. ओके इतना आपको कर देना है. इतना करने के बाद फिर आपको इस वाले एरो पे क्लिक करके, सॉरी गाइस मैं बैक हो गया वहाँ से यार. सो इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ पे अगले बिटमार पे आ जाना है, जो कि 15.10 सेकंड पे. यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड मीडिया पे क्लिक करना है. यहाँ से फिर फोल्डर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट फोटो है, जो भी फोटो, उस फोटो को एड करना है. ओके ऊपर सिलोट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना एंड इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम कर लेना. ओके सो फिर से हम प्लस पे क्लिक करेंगे एंड मीडिया पे क्लिक करेंगे, अपनी फोटो को एड करके ऊपर सिलोट पे क्लिक करेंगे, फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे, इस वाले एरो पे क्लिक करके डन, यहाँ से फोटो को ट्रिम कर लेंगे एंड इस प्रकार से हम यहाँ पे जितना फोटो है हमारा, सभी फोटो को हम एड करेंगे. ओके प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करके फोटो एड करेंगे, फिल कंपोजिशन एरिया करके इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम कर लेंगे. तो इस वाले एरो पे क्लिक करने से ये होता है कि हम अगले वाले बिटमार पे आ जाएंगे. जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से हम ट्रिम कर लेंगे एंड इसी प्रकार से आपका लास्ट टाइम जितना ही फोटो यूज हुआ, सही फोटो को आप यहाँ पे एड कर लेना. ओके तो गाइस मैं सही फोटो को पहले एड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ. ओके तो 24.2 सेकंड तक हमारा सॉन्ग है, तो यहीं तक आपको फोटो एड कर लेना है. अब जैसे आप फोटो को एड कर लेते हैं, यहाँ से आप बैक आ जाना है एंड सेकंड वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना. और सेकंड वाला प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद सबसे पहले जो सेकंड नंबर का फोटो है इस पर क्लिक करना है एंड इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करना है नीचे एंड कॉपी इफेक्ट कर लेना है जो दो नंबर का फोटो है इससे. ओके फिर बैक आना है एंड बिटमार प्रोजेक्ट में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद शुरू में जो आपको ग्रुप दिख रहा है, इस ग्रुप पे क्लिक करना है एडिट. सो एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है. ओके और एडिट ग्रुप पे क्लिक करने बाद जो फोटो हमने एड किया था, जिसको सेलेक्ट करके नीचे किया था, उस फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे. इस पर से लग जाएगा, आप लोग देख सकते हो. फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है एंड फिर से सेकंड प्रोजेक्ट को ओपन करना है और जो यहाँ पे फर्स्ट वाला फोटो है इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, नीचे से रोड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है और बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है. अब जैसे आप बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, आपको आगे जाना है. ओके और आगे जाने के बाद यहाँ पे जो हमारा फोटो स्टार्ट हो रहा है 15 सेकंड पे, यहाँ पे आएंगे एंड फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके नीचे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे. ओके इतना करने के बाद फिर हम अगले वाले फोटो पे क्लिक करेंगे, इसी प्रकार से पेस्ट इफेक्ट कर देंगे एंड इसी प्रकार से हम तीसरा फोटो को, इसी प्रकार से चौथा फोटो को. अब यहाँ पे जितना फोटो है सही फोटो में हम इसी प्रकार से इस इफेक्ट को पेस्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक ही इफेक्ट है, सभी फोटो में यही इफेक्ट लगेगा. तो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है लास्ट. ओके तो गाइस जल्दी मैं सही फोटो में इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देता हूँ. ओके ओके गाइस तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने जो है सभी फोटो में इफेक्ट को पेस्ट कर दिया है. अभी फिर पेस्ट कर देने के बाद देखो गाइस करना क्या है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है और इफेक्ट प्रीसेट को खोल लेना है और यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है इस पर और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर करना है. फिर बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है. ओके फिर यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है और शुरू में ही. ओके फिर आपको लास्ट में चले आना है सिलेक्ट करके और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, फिर इसको भी सिलेक्ट करना है
और इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो इसका जो लेंथ है वो लास्ट तक आ जाएगा। अब जैसे इतना कर लेंगे आपकी कंप्लीट वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ओके, आपको सिंपली ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करना है और अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, तो मैं थोड़ा वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा ब्लर टाइप का आपका वीडियो दिखेगा, लेकिन जैसे वीडियो को सेव कर लोगे वीडियो का क्वालिटी अपने आप आ जाएगा। ओके, ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करना है, अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप अपना ध्यान रखना।